पृथ्वी हमारी जानी पहचानी जगह है, मगर ये वो पृथ्वी नहीं है जहां डायनासोर्स का आतंक था। कहीं ये वो पृथ्वी तो नहीं है जहां रशिया ने चांद पर पहुंचने की रेस जीत ली हो, या वो पृथ्वी जहां हम पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगे। सबसे कम चमकने वाले तारे पर एक ब्लैक होल के अंदर हायर डायमेंशंस में छिपी एक पृथ्वी। अब ग्राउंड ब्रेकिंग साइंस ये कहने लगा है कि शायद सच्चाई का एक और वर्जन भी है। क्या वाकई पैरेलल यूनिवर्सेस हैं? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। क्या आपके कई और रूप हैं? क्या मेरे कई और रूप हैं? मेरा दूसरा वर्जन भले ही आइडेंटिकल लगता हो, पर वो है नहीं। हमारी किस्मत बिल्कुल अलग हो सकती है। हम में से कोई एक दूसरे का डिसेंडेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि हमारे मिलने पर हम दोनों इवेपोरेट होकर एनर्जी बन जाएं। हो सकता है कि हम एक से ज्यादा जिंदगी जी रहे हों, क्योंकि साइंटिस्ट्स जैसे जैसे फिजिक्स और ब्रह्मांड की गहराई में पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे वो भी मानने लगे हैं कि पैरेलल यूनिवर्सेस वाकई हैं। उनसे ही शायद इंसान की किस्मत का फैसला भी हो। जब मैं ग्रेड स्कूल में था तब इस लड़की का दीवाना था। वो मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं थी, मगर मैं ये सब बड़े मजाकिया अंदाज में जताता था। Morgan! मेरा मन हमेशा यही कहता था कि काश मैं बिल्कुल अलग होता, कॉन्फिडेंस और चार्म से भरा हुआ। मैं चाहता था कि मैं उस मॉर्गन को ढूंढ निकालूं, वो चाहे जहां भी हो। MIT के कॉस्मोलॉजिस्ट मैक्स टेगमार्क मानते हैं कि मेरा या हम सबका वो दूसरा वर्जन वाकई है। उनका कहना है कि हमारे वो रूप उस ब्रह्मांड के पार रहते हैं जिसे हम जानते हैं। ब्रह्मांड किस चीज से बना है, इससे जुड़ी हमारी सबसे अहम थ्योरी तो यही कहती है कि वो सिर्फ बड़ा ही नहीं है बल्कि इन्फिनिट है और लगातार हर दिशा में बढ़ता ही जा रहा है। मैक्स मानते हैं कि ये बात स्टेटिस्टिक्स की है, मगर इनफाइनाइट ब्रह्मांड में भी अजीबोगरीब घटनाएं हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ तीन पत्थर लेता हूँ, इनसे एक पैटर्न बन रहा है, ऑरेंज, व्हाइट और ब्लैक पत्थरों का। ये देखिए, ओ यहाँ भी ऑरेंज, व्हाइट और ब्लैक पत्थर हैं। अगर मैं यहाँ एक ज्यादा बड़ा पैटर्न लूँ तो मुझे वैसा दूसरा पैटर्न ढूंढने में ज्यादा परेशानी होगी, मगर ये रिपीट हो रहा है। पृथ्वी भी पत्थरों का बहुत बड़ा ढेर है, जैसे हमारा शरीर एटम्स का एक विशाल ढेर है। वो एटम्स जिस तरह से स्पेस में अरेंज्ड हैं, उससे ही तय होता है कि हम कौन और क्या हैं। पैटर्न जितना बड़ा होगा, उसके लिए हमें उतनी ही ज्यादा दूर जाकर रिपीट ढूंढना पड़ेगा। जब मैं ये कहता हूँ कि एटम्स के पैटर्न्स रिपीट होते हैं, तो मेरा मतलब है हर पैटर्न से। उनमें एटम्स का वो पैटर्न भी शामिल है जिससे मैं बना, मैक्स टेगमार्क। अगर मैं ढूंढता हुआ दूर जाता हूँ तो मुझे मेरी कॉपी मिल जाएगी, जो सिर्फ देखने में मेरी जैसी नहीं होगी बल्कि वो मेरी तरह फील भी करेगी। मैक्स ने अंदाजा लगाया कि कितने लाइट ईयर्स दूर जाने के बाद उन्हें एटम्स का वो पैटर्न मिलेगा जिससे वो बने हैं। उन लाइट ईयर्स की गिनती बहुत बड़ी है। मैंने देखा कि उस नंबर तक पहुंचने के लिए मुझे करोड़ों करोड़ जीरोस लगाने पड़ते हैं। ये नंबर यकीनन काफी बड़ा है, मगर अपने स्पेस के साइज को देखते हुए तो यही लगता है कि बात हमारे घर के पिछवाड़े की है। लेकिन कोई एक्सप्लोरर अपने कॉस्मिक क्लोन से मिलने के लिए इतने लंबे सफर पर जाने की हिम्मत एक ही शर्त पर दिखा सकता है। 1920 के दशक में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने देखा कि हमारा ब्रह्मांड एक जगह पर स्थिर नहीं है,
वो जिस ओर भी देखते यही लगता कि ब्रह्मांड हमसे दूर बढ़ता जा रहा है। वो जितना भी दूर देखते उन गैलेक्सीज के बढ़ने की स्पीड उतनी ही तेज नजर आती। हबल ने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब पूरा ब्रह्मांड फैल रहा हो। अगर हम मान लें कि कंक्रीट का ये स्लैब एक दूर दराज की गैलेक्सी है और स्थिर है, तो मैं इसे मैसेज भेज सकता हूँ। मैं लाइट की स्पीड से इंटरगैलेक्टिक ईमेल्स भेज सकता हूँ और अगर हम इंतजार करें तो वो वहाँ पहुँच ही जाएंगी। क्योंकि ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसे और रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें इसे चलाना पड़ेगा। ये दूर दराज की गैलेक्सी असल में मुझसे दूर जा रही है। हम खुद से जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं उतनी ही तेजी से यहाँ और यहाँ के बीच का स्पेस भी बढ़ता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो लाइट की स्पीड से बढ़ने लगता है। इसका मतलब है कि हम ना तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं ना ही उसके पार कुछ देख ही सकते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा ये कॉस्मिक होराइजन ही है जो मुझे अपनी या अपने दोस्तों की कॉपीज के पास नहीं पहुंचने दे रहा। अगर वो मिल जाते तो कितना मजा आता। मगर एक जगह है जहां हम पैरेलल वर्ल्ड्स को देख सकते हैं, अपने ब्रह्मांड की गहराई में नहीं बल्कि माइक्रो कॉस्मोस में, अपनी नाक के नीचे जहां कुछ भी ठोस नहीं है। फ्रैंक टिप्लर क्वांटम मैकेनिक्स के अनोखे नियमों की स्टडी कर रहे हैं। इन नियमों से ही वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स चलते हैं जिनसे हम बने हैं। थैंक यू एडम। हर सच्चाई को क्वांटम मैकेनिक्स ने डिस्क्राइब किया है और क्वांटम मैकेनिक्स का सेंट्रल इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन। अर्विन श्रोडिंगर ने जब अपने नाम का इक्वेशन बनाया तब उन्होंने वो सच्चाई बताई जो हम जानते हैं। उन्होंने साबित किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो सकते हैं। ये भी कहा कि एक ही वक्त पर एक ही जगह पर एक से ज्यादा पार्टिकल भी होते हैं। ये सब एटॉमिक वर्ल्ड उस वक्त तक प्रोबेबिलिटीज की धुंध में छिपा रहता है जब तक कोई उसे उस वक्त नहीं देखता जब प्रोबेबिलिटीज सच्चाई से मिल जाती हैं। फ्रैंक मानते हैं कि यह क्वांटम फजीनेस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक डोमेन में ही नहीं है बल्कि इसी तरह से हर चीज काम करती है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स जो भी कहता है वो कोरी बकवास है, मगर जो श्रोडिंगर इक्वेशन को देखता है वो यही मानता है कि ये तो हर चीज पर लागू होता है, सिर्फ एटम्स पर ही नहीं बल्कि इमारतों पर, उनमें लगे कांच पर और पूरे ब्रह्मांड पर भी। अगर फ्रैंक की बात सही है तो हर चीज उस वक्त स्किट्सोफ्रेनिक होती है जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता। वो अपने कई रूप में लगातार शिफ्ट होती रहती। स्टील के इस ढक्कन के नीचे हर वो डिश है जो फ्रैंक मंगवा सकते हैं, मगर ढक्कन हटाने के बाद फ्रैंक जब उसे देखते हैं तब ही पता लगता है कि सच असल में क्या है। क्या बात है, ऑयस्टर्स। मगर सिर्फ यही डिश क्यों, कोई और क्यों नहीं? ज्यादातर साइंटिस्ट्स मानते हैं कि फ्रैंक के ऑब्जर्वेशन की वजह से नेचर को अचानक ही एक फैसला लेना पड़ा। पलक झपकते ही हर पॉसिबल रियलिटी बदल गई, मगर फ्रैंक मानते हैं कि उनका यह अंदाजा सही नहीं है। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जब हम कोई मेजरमेंट लेते हैं उस वक्त कई ऐसे पॉसिबल यूनिवर्सेस भी होते हैं जो एक असली ब्रह्मांड में चले आते हैं, मगर ये बात क्वांटम मैकेनिक्स के मैथमेटिक्स के लिहाज से सही नहीं है। फ्रैंक मानते हैं कि हर मुमकिन नतीजा अपने पैरेलल यूनिवर्स में एक सच्चाई बन जाता है। इस ब्रह्मांड में तो फ्रैंक ऑयस्टर्स खा रहे हैं, मगर किसी और में ये कबाब खा रहे होंगे, तो किसी तीसरे में श्रिम्प जंबालाया। हम ये बात तो शुरू से जानते थे कि असल में कई ब्रह्मांड हैं, मगर फिजिसिस्ट्स अपने ही इक्वेशंस पर यकीन नहीं करते हैं। अगर फ्रैंक की बात सही है तो आप जिस स्पेस में रहते हैं वहां आपकी आइडेंटिकल कॉपीज का एक इनफाइनाइट समंदर होगा। अगर आपके साथ कुछ होता है तो उसका ठीक उल्टा आपके उन छिपे हुए ट्विन्स में से किसी एक के साथ हो सकता है, मगर वो देर तक छिपे नहीं रह सकते। इस सिलिकॉन चिप पर एक छोटी सी चीज रखी है जो एक ही वक्त पर दो जगहों पर सच हो सकती है। पहली बार इस साइंटिस्ट को एक पैरेलल यूनिवर्स की झलक दिखी है। जरूरी नहीं कि ऑल्टरनेट रियलिटीज ब्रह्मांड में कई लाइट ईयर्स दूर हो, वो हमारे ठीक सामने भी हो सकती हैं। अगर क्वांटम मैकेनिक्स के अनोखे नियम सही हैं, तो मैं भी काउंटलेस ऑल्टर ईगोस का एक कलेक्शन हूं
और वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें अंदर चल रही इस लड़ाई का पता ही नहीं लगता। किसी खास पल में हमारा सिर्फ एक ही सच होता है, बाकी सब हमें बिल्कुल नजर नहीं आते। या ऐसा नहीं है? फिजिसिस्ट फ्रैंक टिपलर मानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की यह बात सही है कि हमारे काउंटलेस वर्जन्स पैरेलल यूनिवर्सेस में मौजूद हैं। हम में से कई लोगों की तरह वो भी एक अल्टर ईगो के हवाई सपने देखते हैं। चलिए हम एक बार फिर से ब्रह्मांड की सैर पर चलते हैं। हमारे साथ हैं फियरलेस फ्रैंक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और कॉस्मिक एडवेंचर नट। इस हफ्ते फ्रैंक ने पता लगाया है क्वांटम पैरेलल यूनिवर्स का एक पोर्टल। फ्रैंक टिपलर मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी इस कार्टून जैसा ही है जिसे हम सच मान लेते हैं। सामने से देखने पर कार्टून एक सिंगल ऑब्जेक्ट नजर आता है, मगर वो भी सेल से बना है। हम एक ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं, मगर सच तो ये है कि एक दूसरे पर जाने कितने ब्रह्मांड सुपर इम्पोज्ड हैं। एक नजर न आने वाली चीज एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो सकती है। फ्रैंक के मुताबिक उनमें से हर एक अपने पैरेलल यूनिवर्स में सच बन जाती है। जब भी हम इनका मेजरमेंट लेते हैं तब हर फ्रैंक टिपलर की तस्वीर एक खास रिजल्ट देती है। एक ब्रह्मांड में कोई चीज हमारे नजरिए से सिर्फ एक ही जगह पर दिख सकती है, और ऐसा लगता है कि हमारे इस ऑब्जर्वेशन की वजह से बाकी सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। मगर जो दिखता है वो धोखा भी तो हो सकता है। हमें पॉसिबिलिटीज को सिर्फ पॉसिबिलिटीज की तरह नहीं देखना चाहिए। बाकी सच्चाइयां सिर्फ इसलिए नहीं खत्म हो जाती कि मैंने एक को अपने हाथ में पकड़ लिया है। वो यही है, उनका वजूद है। अगर हम एक बार में सारे ब्रह्मांडों को देख सकें तो फ्रैंक टिपलर के अनगिनत रूपों का एक ही वक्त पर एक ही मेजरमेंट लेंगे। हर फ्रैंक उस चीज को थोड़ी अलग जगह पर देखेगा। ये छोटी छोटी बातें वक्त के साथ एम्पलीफाई होती हैं, जिससे पैरेलल वर्ल्ड्स में अलग अलग नतीजे होते हैं। एक ब्रह्मांड में एस्टेरॉयड पृथ्वी पर नहीं गिरता है और डायनासोर्स बचे रहते हैं। दूसरे में रॉकेट की नाकामी की वजह से अमेरिका चांद तक पहुंचने की रेस हार जाता है। लेकिन हमें यह कैसे पता लगेगा कि वो अल्टरनेट रियलिटीज वाकई हैं? क्योंकि वो तो उसी पल गायब हो जाती हैं जब हम उन्हें देखते हैं। हम शायद एक ही वक्त पर किसी चीज के दो जगहों पर होने के इन क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स को कभी देख नहीं पाए, क्योंकि हम हमेशा चीजों को मेजर करते रहते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स जब किसी चीज से टकराते हैं तो वो भी एक मेजरमेंट है। जब हम किसी चीज पर रोशनी करते हैं तो वो भी एक मेजरमेंट ही होता है। और हो सकता है कि कोई चीज टेबल पर रखी हो, वो टेबल उस चीज को धकेल रही है और वो भी एक मेजरमेंट ही है। एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट एंड्रयू क्लीलैंड शायद वो पहले शख्स हैं जिन्होंने एक पैरेलल यूनिवर्स की पहली झलक देखी। सिलिकॉन के इस छोटे से स्क्वायर के अंदर एंड्रयू ने एक ऐसा मेटल पैडल लगाया है जो नजर भी नहीं आ रहा। वो कई हजार करोड़ एटम से बना है। असल में ये क्वांटम वर्ल्ड का गॉडज़िला है, और ये हमें ये दिखाना चाहते हैं कि इतनी बड़ी चीज भी क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का पालन करती है। हम ये तो जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स जैसी छोटी चीजों पर लागू होते हैं, मगर हमें ये मानने में बहुत परेशानी होती है कि वो बड़ी चीजों पर, हमारी रोजमर्रा की चीजों पर भी लागू होते हैं। मगर ये साबित करना कि ये भी क्वांटम मैकेनिकली बिहेव करेगा, इन्हें ध्यान रखना होगा कि कोई चीज इसे मेजर ना करे। इसे कम्प्लीट आइसोलेशन में रखना होगा और बहुत ठंडा भी। ये इंस्ट्रूमेंट एक डिल्यूजन रेफ्रिजरेटर है, और अगर आपके पास भी $15,00,000 हो तो आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में कई टेम्परेचर स्टेजेस हैं, जो कि 1 केल्विन से 0.6 केल्विन तक और 0.1 केल्विन से 20 मिली केल्विन तक, यानी करीब -235 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। हम उसी तापमान पर क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इस डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर के अंदर एंड्रयू एनर्जी के एक क्वांटम को पैडल पर डालते हैं।
इस बात की संभावना 50-50 है कि वो उस एनर्जी को लेगा या नहीं लेगा। मगर ये तो ये देखकर दंग रह गए कि पैडल ने एक ही वक्त पर एनर्जी को लिया भी और छोड़ भी दिया, और वो इन दो रियलिटीज के बीच घूमने लगा। पैडल उन दोनों स्थितियों में था जब उसे जरा भी एनर्जी नहीं मिल रही थी और एनर्जी की एक यूनिट भी मिल रही थी। उस स्थिति में, यानी जब वो इन दोनों स्थितियों में था, तब एक बार में करीब 600 करोड़ बार का वाइब्रेशन होता है। एंड्रयू के इस ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम हमारे ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होते हैं, चाहे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हों या फिर विशाल गैलेक्सीज। उनका साइज भले ही कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट्स एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स कम्युनिटी के अंदर भी लोग इस बात को मानेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि ये बात उस छोटी सी कम्युनिटी के बाहर के लोग नहीं मानेंगे जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये बात चौंकाने वाली थी। इस बात को समझाने के लिए कई अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किए गए, उनमें से ही एक है कई दुनिया या पैरेलल यूनिवर्सेस की राय, मगर उनसे कुछ भी साबित नहीं होता है। चूंकि उनसे कुछ पता नहीं लगता, इसलिए हम उन्हें टेस्ट भी नहीं कर सकते। इस लिहाज से लोग अपनी मर्जी से कोई भी इंटरप्रिटेशन चुन सकते हैं। अगर क्वांटम पैरेलल यूनिवर्सेस वाकई हैं, तो एंड्रयू का एक्सपेरिमेंट उसके राज जानने की ओर पहला कदम होगा। मगर एक और पैरेलल वर्ल्ड है जिसके बारे में करीब करीब हर साइंटिस्ट का कहना है कि उसका वजूद है। दरअसल वो एंटी मैटर से बना है, और अगर हमने उसे कभी देखा तो वो हमारे लिए तबाही का दिन होगा। हमारे ब्रह्मांड में एक बेहद खतरनाक चीज घूम रही है जिसे एंटी मैटर कहते हैं। अगर उसकी एक छोटी सी बूंद भी नॉर्मल मैटर से मिलती है तो उससे हिरोशिमा में हुए विस्फोट से ज्यादा बड़ा धमाका होगा। सबसे डरावना सच तो यह है कि बिग बैंग से शायद बराबर मात्रा में एंटी मैटर और मैटर का निर्माण हुआ था। यह भी कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का एक एंटी मैटर ट्विन भी हो सकता है जो पूरी दुनिया को ही खत्म कर सकता है, तबाह कर सकता है। मगर समस्या यह है कि खतरनाक एंटी मैटर वाला वो ब्रह्मांड गायब है। जोएन ह्यूइट कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। ये उस लापता पैरेलल यूनिवर्स की खोज करने वाली जासूस है। वो कहाँ चला गया? ये आज साइंस के लिए एक बहुत बड़ा राज है कि वो एंटी मैटर कहाँ गायब हो गया। हर पार्टिकल का उससे ही जुड़ा एक एंटी पार्टिकल होता है। उसका भार भी उतना ही होता है जितना उसके पेरेंट पार्टिकल का होता है, मगर उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल उलट होती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसी तरह एंटी इलेक्ट्रॉन से यानी कि पॉजिट्रॉन में ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जब मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते हैं, तब एक बड़े धमाके के साथ एनर्जी का तेज झोंका निकलता है, जैसे कि बूम। अगर बिग बैंग से एंटी मैटर और मैटर बराबर बने थे, तो उसके साथ इन दो में से एक बात हुई होगी। अगर एंटी मैटर और मैटर का कोई पार्टिकल आपस में टकराया होगा, तो वो पूरी तरह से खत्म हो गए होंगे। मगर हो सकता है कि कुछ एंटी मैटर और मैटर अभी तक टकराए ही ना हो। हो सकता है जल्दी ही उनका धमाकेदार मिलन होगा। जोएन उसका ही पता लगाना चाहती है। उन्होंने स्टैनफोर्ड के 3 किलोमीटर लंबे पार्टिकल एक्सेलरेटर को अपना हथियार बनाया है, जिससे वो बिग बैंग के मिनिएचर वर्जन्स को रिक्रिएट करना चाहती है। हमने पार्टिकल्स की दो बीम्स बनाई हैं और दोनों को इतनी एनर्जी के साथ टकराया है कि उनसे बी मैसन्स नाम के पार्टिकल्स का एक जोड़ा बने। बी फैक्टरिंग नाम के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जोएन और उनकी साइंटिस्ट्स की टीम ने बी मेसॉन्स का एक झोंका देखा, जिसके साथ उनके एंटी मैटर ट्विंस भी थे, जिन्हें एंटी बीज कहते हैं। ये उन एक जैसे मगर एक दूसरे के ऑपोजिट पार्टिकल्स के बीच मामूली से मामूली फर्क ढूंढने लगे। अगर आप बी मेसन वर्सेस एंटी बी मेसन को स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको उस वक्त के बीच का अंतर देखना होगा जब वो डीके होते हैं, मगर वो कुछ ही देर तक रहते हैं।
जिससे उनकी स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है। इन सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जोएन और उनकी टीम ने बी और एंटी बी के बीच एक बड़ा मामूली सफर ढूंढ लिया है। उनमें से एक दूसरे के मुकाबले ज्यादा जल्दी या थोड़ा अलग तरीके से डीके होता है। इनमें से एंटी बी मेसन ही ज्यादा तेजी से डीके होता है। मैटर और एंटी मैटर के बीच के इस मामूली से फर्क से भी बिग बैंग के बाद जो भी हुआ उसके ऊपर काफी बड़ा असर पड़ा होगा। सच तो यह है कि उससे एक बिल्कुल अलग ब्रह्मांड बन गया। चलिए हम ये मान लेते हैं कि मैटर और एंटी मैटर के बीच चेकर्स का खेल चल रहा है आखिरी दम तक। दोनों खिलाड़ी बराबर नंबरों के साथ शुरुआत करते हैं। वक्त के साथ चेकर्स और एंटी चेकर्स एक दूसरे को खत्म करते जाते हैं, मगर आखिर में एक खिलाड़ी बड़े मामूली अंतर से हावी हो जाता है और उसकी जीत हो जाती है। बिग बैंग के बाद बने एक बड़े से ग्रुप में से ये एक इकलौता चेकर बच गया है और उसमें ही पूरे ब्रह्मांड का सारा मैटर कंटेंट समाया है। हम आज के ब्रह्मांड में जो मैटर देखते हैं वो मैटर और एंटी मैटर के दो विशाल महासागरों का बड़ा ही छोटा सा अंश है। अगर इनके बीच वो मामूली सा अंतर नहीं होता तो शायद ये एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर देते। ये वही अंतर था जिसे जोएन और उनकी टीम ने बी और एंटी बी मेजोंस के बीच देखा था। एंटी मैटर चूंकि थोड़ा जल्दी डीके होता है इसलिए आज हमारे पास मैटर बचा है, मगर ये बिग बैंग से पैदा हुए मैटर का बहुत ही छोटा सा अंश है। मतलब जोएन की जासूसी कामयाब रही। अब हमें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमें खत्म करने वाला खतरनाक एंटी मैटर यूनिवर्स स्पेस की अंधेरी गहराइयों में कहीं छिपा है। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि बी फैक्टर के नतीजों से पता लग सकता है कि ज्यादातर एंटी मैटर कहां गए। बदकिस्मती से हम ब्रह्मांड के सारे गायब एंटी मैटर के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अभी फिजिक्स का कुछ ऐसा हिस्सा भी है जिसकी भविष्य में हमें खोज करनी होगी। शायद वो खोज जल्दी ही हो जाए। मई 2011 में स्पेस शटल एंडेवर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक विशाल पार्टिकल डिटेक्टर AMS पहुंचाया है। AMS उन कॉस्मिक रेज की तलाश करेगा जो कई सौ करोड़ साल पहले बने थे, उस वक्त जब बिग बैंग के बाद मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे को खत्म कर रहे थे। अगर वो बचा होगा तो हो सकता है कि इससे हम एंटी मैटर के उस प्राइमोर्डियल समंदर के अवशेष तक भी पहुंच जाएं। एंटी मैटर यूनिवर्स वो इकलौता खतरा नहीं है जो हमारे ब्रह्मांड के किनारे घात लगाए घूम रहा है। हो सकता है कि हम कई तरह के पैरेलल यूनिवर्सेस से घिरे हों, और ये पता लगाना कि वो क्या और कहां है सिर्फ एक थियोरेटिकल गेम नहीं है, बल्कि हमारे पूरे ब्रह्मांड का भविष्य इसी बात पर टिका है। हमारा कोई दूसरा वर्जन है या नहीं, हमें इस बात की इतनी फिक्र क्यों है? हम उनसे कभी आमने सामने तो नहीं मिल सकते, मगर ये ऑल्टर ईगोस बेहद अहम हैं, क्योंकि इनसे हमारे वजूद से जुड़े सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल सकता है। इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ और उसका अंत कैसे होगा? कॉस्मोलॉजिस्ट एंड्रे लिंडे का मानना है कि उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की है। उनके मुताबिक जिस फोर्स से हमारा ब्रह्मांड बना उससे ही कई और पैरेलल यूनिवर्सेस बने, और उसी फोर्स से एक दिन वो सब खत्म हो जाएगा जिसे हम देख रहे हैं। उन्होंने ये खोज की एक बड़े ही मामूली सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में। सवाल ये है कि हम जहां भी देखते हैं वहां ब्रह्मांड एक जैसा ही क्यों नजर आता है? ये सवाल कई सौ सालों से फिजिसिस्ट्स को परेशान कर रहा है। एंड्रे मान रहे थे कि एक जबरदस्त हंगामेदार धमाके से वो स्मूथ और यूनिफॉर्म ब्रह्मांड नहीं बन सकता जिसे हम आज देख रहे हैं। बिग बैंग के बारे में फिजिक्स तो यही मानता है कि हम जो कुछ भी आज देख रहे हैं वो चीनी के एक दाने जितनी बड़ी चीज से बना था। मुझे तो यही लगता है कि स्टैंडर्ड बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक
हमारे आसपास जो गैलेक्सी बनी है उसके लिए कम से कम 10 से 385 टन के हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ेगी। उससे करोड़ों 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 टन मैटर बने, ये बात बिल्कुल ही यकीन के लायक ही नहीं लगती, और इसलिए ये जरूरी था कि एक दूसरी कहानी गढ़ी जाए, और तब बनी इन्फ्लेशनरी थ्योरी। इन्फ्लेशन वो प्रोसेस है जिसे आंद्रे अच्छी तरह से जानते हैं, और वो सिर्फ वो फोर्स ही नहीं है जिससे पूरा ब्रह्मांड उड़ जाए। जब वो बिग बैंग के रहस्यों को डिकोड नहीं करते, तब हमारी दुनिया के छोटे छोटे हिस्से को अपनी दूसरी पसंद फोटोग्राफी से इन्फ्लेट करते रहते हैं। ये एक कमाल का कैमरा है। जब मैं 60 साल का हुआ तब मेरे परिवार ने मेरे जन्मदिन पर यह तोहफे में दिया था, उसी वक्त से मैं इसका दीवाना हूँ। आंद्रे की थ्योरी के मुताबिक जब ब्रह्मांड शक्कर के एक दाने जितना बड़ा था, तब उसके अंदर काफी एनर्जी भी भरी थी। उसका हर माइक्रोस्कोपिक पार्ट दूसरे से वैसे ही अलग था जैसे कि टेक्निकलर पैचवर्क। इस क्यूब के अंदर अलग अलग साइज के अलग अलग रंग हैं, मगर इन्फ्लेशन में होता यह है कि अगर हम इस शुगर क्यूब के किसी छोटे से कोने से शुरुआत करें तो वो हमें ब्रह्मांड के एक हिस्से जैसा नजर आने लगता है, और इस शुगर क्यूब के अंदर से जब हम अपने आसपास देखते हैं तो लगता है कि हमारे आसपास की हर चीज सफेद है, हमारे आसपास की हर चीज गुलाबी है, हमारा ब्रह्मांड कितना सुंदर है, ये कितना यूनिफॉर्म है, और हमने हर समस्या हल कर ली है। मगर शायद इन्फ्लेशन से हमारी हर समस्या नहीं सुलझ सकती, क्योंकि जब एक बार इन्फ्लेशन शुरू हो जाता है तब वो भी आंद्रे की फोटोग्राफी के एडिक्शन की तरह लगातार बढ़ता ही जाता है। ब्रह्मांड भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, मगर आंद्रे के मुताबिक हो सकता है कि इन्फ्लेशन हमारे इस फैले हुए ब्रह्मांड में भी आ जाए। वो ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से पर हमला करता है और उसे फैलाकर एक नया ब्रह्मांड बना देता है। ऐसे में होगा ये कि बिल्कुल नए सिरे से एक बुलबुला बनेगा और वो हमें भी अपने अंदर समेट कर मार डालेगा, तो क्या वही हमारा अंत होगा? अगर आंद्रे की बात सही है तो हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से अनस्टेबल है। किसी भी पल उसका एक छोटा सा हिस्सा फैलकर एक ब्रह्मांड जितना बड़ा हो जाएगा और उसमें मौजूद हर चीज खत्म हो जाएगी। मगर इसी के पार उनके एक पुराने सहयोगी मानते हैं कि आंद्रे ने इसे गलत समझा है। पॉल स्टाइनहार्ट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में साइंस के अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रोफेसर माने जाते हैं। यह टाइटल अभी तक सिर्फ दो साइंटिस्ट को ही मिल पाया है। इस इन्फ्लेशन से क्या पता लगता है? अगर कोई पॉसिबिलिटी हमें अनगिनत बार नजर आती है तो इस तरह की कोई थ्योरी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। जो भी हो रहा है वो ऐसी थ्योरी से जुड़ा होता है। पॉल कई दशक से इन्फ्लेशन पर काम करके एक नई थ्योरी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिसका दावा है कि स्पेस का एक छिपा हुआ फोर्थ डायमेंशन भी है, और उस डायमेंशन के पार है एक पैरेलल यूनिवर्स। हम अपनी थ्री डायमेंशनल दुनिया को एक मेम्ब्रेन जैसी सतह के तौर पर देख सकते हैं जो एक एक्स्ट्रा फोर्थ स्पेशल डायमेंशन वाले स्पेस से जुड़ी है। अब आप इन दोनों अखबारों को लीजिए और देखिए कि ये कितने करीब हैं। वो दोनों ब्रेन वर्ल्ड्स भी, एक तो हमारा और दूसरा ऑपोजिट वाला भी, एक दूसरे से काफी कम अंतर से दूर हैं, इंच के लाखवें करोड़वें हिस्से की बराबर की दूरी से। पॉल के मॉडल के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड एक फ्लेक्सिबल थ्री डायमेंशनल मेम्ब्रेन में या ब्रेन वर्ल्ड में मौजूद है। दूसरा भले ही इसके बेहद करीब है, मगर वो बिल्कुल अलग ब्रह्मांड है और वो हमारे साथ इंटरैक्ट नहीं करता। मगर पॉल का सवाल है कि अगर ऐसा हो तब क्या होगा? मुझे और मेरे कलीग्स को लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों ब्रेन वर्ल्ड्स हमेशा एक ही जगह पर स्थिर न रहते हों और एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हों, तो एक दिन वो आपस में टकरा भी सकते हैं। उस टक्कर से जो एनर्जी पैदा होगी वो ब्रेन्स के मोशन से पैदा होने वाली एनर्जी से मैटर और रेडिएशन में बदल जाएगी, और जब वो अलग होंगी तब वो गर्म मैटर और रेडिएशन से भर जाएंगी, वैसे ही जैसे बिग बैंग के बाद हुआ था। सच कहें तो हमें लगा कि वो भी एक बिग बैंग ही होगा। वो बिग बैंग स्पेस और टाइम की शुरुआत की बजाय एक टक्कर होगी।
पॉल मानते हैं कि वो एलियन ब्रह्मांड हमसे मुश्किल से एक एटम जितनी दूरी पर है। वो एक ऐसी अनोखी दुनिया है जहां फिजिक्स के नियम भी बिल्कुल अलग हैं। पॉल को लग रहा है कि हमें इस बात के सबूत भी मिलने लगे हैं। हालांकि हम उस दूसरे ब्रेन के मैटर को देख छू या महसूस नहीं कर सकते, मगर हम उसके वजूद को महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम उसकी ग्रेविटी को महसूस कर सकते हैं। पिछले दशक में एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया कि हर गैलेक्सी ग्रेविटी के इनविजिबल सुपर मैसिव सोर्सेस से घिरी हुई है। कोई ये नहीं जानता कि ये छिपे हुए दानव किस चीज के बने हैं। वो उसे डार्क मैटर कहते हैं। उस दूसरे ब्रेन वर्ल्ड में जो मैटर है वो हमें अपने वेंटेज पॉइंट से डार्क मैटर लगता है और वो हमारी साइड की लाइट से इंटरैक्ट नहीं करता। तो क्या वो डार्क मैटर उस पैरेलल ब्रह्मांड का मैटर है? पॉल मानते हैं कि हमें इसका जवाब शायद एक ब्लैक होल के तल पर मिलेगा। ये स्पेस के वो विशाल सिंक होल है जहाँ की ग्रेविटी से कोई चीज बच नहीं पाती है। ढेर सारा मैटर एक या दूसरे ब्रेन में जमा होता है और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो दूसरे ब्रेन को उस पॉइंट की ओर खींचने लगता है। जब ये दोनों उस पॉइंट पर साथ मिल जाते हैं तब वहां ब्लैक होल बनता है। मतलब किसी और जगह पर वो भले ही अलग अलग हो, लेकिन जहां वो जुड़ते हैं वहां पर एक ब्लैक होल बनता है। उस डार्क मैटर के रहस्य से पर्दा हटाना आज फिजिक्स के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। हजारों आला दिमाग और सैकड़ों टेलीस्कोप्स इस कोशिश में जुटे हैं। पॉल मानते हैं कि जब हमें पता लग जाएगा कि वो डार्क मैटर क्या है, तब हम ये जान जाएंगे कि वो दूसरे ब्रह्मांड में है या नहीं। क्या ब्लैक होल्स हमें पैरेलल वर्ल्ड से जोड़ेंगे? इस साइंटिस्ट के पास शायद इसका जवाब है, और अगर इनकी थ्योरी सही है तो हो सकता है कि हम जल्दी ही एक पैरेलल यूनिवर्स के संपर्क में आ जाएं। करीब 400 साल पहले यही माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है, मगर तभी पोलैंड के एक गांव ट्रॉन के एक शख्स ने हमारी सोच ही बदल दी। मगर इस ब्रह्मांड में हमारी सही जगह की खोज में महान एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस ने एक बड़े अहम सवाल का जवाब नहीं दिया। यह नहीं बताया कि ब्रह्मांड का सेंटर कहां है। अब उसी गांव के एक और बेटे को लग रहा है कि उसके पास इस सवाल का जवाब है। अगर उनका अंदाजा सही है तो हम उस पैरेलल यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगे जिससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। निकोडेम पोप्लोस्की में भी वही रिवोल्यूशनरी स्पिरिट है जो उनके पोलिश पूर्वज में था। ये मानते हैं कि किसी भी नई खोज के लिए लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है और दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। कसरत करने के बाद मेरे शरीर और दिमाग में एक नई ताजगी आती है और उसके बाद मैं ब्रह्मांड से जुड़े सवालों के बारे में सोचता हूँ, तब मैं ज्यादा क्रिएटिव हो जाता हूँ। निकोडेम अपने इसी इंटेंस फोकस के दम पर एक कॉस्मिक मॉन्स्टर ब्लैक होल का आमना सामना करने में कामयाब हुए। इसके बाहरी किनारे के अंदर वाले हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं, जिसे लाइट भी पार नहीं कर सकती। कोई नहीं जानता कि उस जगह के पार क्या है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। एक ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे तारे को दबाकर एक छोटा सा सिंगल पॉइंट बना देती है। फिजिसिस्ट इस इनफाइनाइट डेंसिटी के पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। अगर सिंगुलैरिटी का यह मतलब है तो जाहिर है कि हम फिजिक्स को अच्छी तरह नहीं समझ रहे। मुझे ये सिंगुलैरिटीज पसंद ही नहीं है और मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो ज्यादा सिंपल और नेचुरल हो। ग्रेविटी की स्टडी करने वाले ज्यादातर साइंटिस्ट की तरह निकोडेम भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के ही शागिर्द हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस और टाइम एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक में गुंथे हुए हैं और उसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा। केटी और मेगन ने यहाँ एक तौलिया पकड़ रखा है जो स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेस टाइम भारी चीजों के इन्फ्लुएंस से एक ओर झुक सकता है। मेरे पास ये बॉल है जो मेरे लिए सूरज है। सूरज का स्पेस टाइम पर काफी असर पड़ता है। आप भी देख सकते हैं कि स्पेस टाइम किस तरह से झुका है और उसके झुकने से
पृथ्वी पर भी असर हो रहा है। पृथ्वी भी स्पेस टाइम के उस झुकाव को महसूस कर रही है, तभी तो वो सूरज का चक्कर लगाती है। मगर आइंस्टाइन मानते थे कि सिर्फ इस तरह से झुकने से ही मैटर स्पेस टाइम के फैब्रिक को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता था। इस तरह से झुकने के अलावा स्पेस टाइम की एक और जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं टॉर्जियन। अल्बर्ट आइंस्टाइन और मैथमेटिशियन एली कार्टन मानते थे कि मैटर स्पेस टाइम के फैब्रिक के एक एक रेशे को भी ट्विस्ट कर सकता है, मगर टॉर्जन का असर इतना हल्का होता है कि उसे मेजर भी नहीं किया जा सकता। जब उसे टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं मिला, तब आइंस्टाइन और कार्टन ने उस थ्योरी पर काम करना ही छोड़ दिया। मगर निकोडेम ने वहीं से शुरुआत की जहां उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने उस थ्योरी को एक ब्लैक होल के अंदर की बेहद खतरनाक ग्रेविटी पर लागू किया, जहां मैटर इतनी तेजी से घूमता है कि टॉर्जन से ट्विस्ट होकर स्पेस टाइम एक कॉइल्ड स्प्रिंग बन जाता है जो कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है। ये है एक खत्म होता ब्लैक होल। इस ट्यूब में आए टॉर्नेडो से पता लगता है कि इवेंट होराइजन में मैटर कितनी तेजी से घूमता है। काफी ज्यादा डेंसिटीज पर टॉर्जन अपना असर दिखाने लगता है और एक ऐसी फोर्स बन जाता है जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का विरोध करती है। जब मैटर उस ब्लैक होल के केंद्र की ओर जाता है, तब इतना बढ़ जाता है कि वो मैटर को बहुत तेजी से घुमाने लगता है। मैटर किसी एक जगह पर नहीं गिरता, असल में ब्लैक होल का केंद्र ही एक भंवर की तरह घूमने लगता है। वो मैटर इस तरह से गायब नहीं हो सकता और एनर्जी को कंजर्व करना जरूरी होता है। इस तरह से एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से निकला सारा मैटर जाता है एक बढ़ते व्हाइट होल में जो उसके दूसरे किनारे पर होता है और एक नया ब्रह्मांड बनाने की कोशिश में रहता है। अगर निकोडेम की बात सही है तो जब वो मास एक ब्लैक होल में जाने लगता है, तब वो उसके दूसरे किनारे की ओर जाता है एक व्हाइट होल में जो एक नए पैरेलल यूनिवर्स में मास और एनर्जी का उफनता फव्वारा होता है। मगर ये बात सिर्फ हमारे ब्रह्मांड के ब्लैक होल्स पर लागू नहीं होती। अगर हम ये मान लें कि हर ब्लैक होल अपने अंदर ब्रह्मांड बनाता है, तो जाहिर है कि हमारा ब्रह्मांड भी ब्लैक होल में बना है जो किसी और ब्रह्मांड में होगा। निकोडेम मानते हैं कि जिस बिग बैंग से हमारा ब्रह्मांड बना था वो असल में एक व्हाइट होल था, किसी और ब्रह्मांड में एक तारे की मौत से बना था और वो ब्रह्मांड ही हमारा पेरेंट था। अगर ये सही है तो ये दो ब्रह्मांड एक कॉस्मिक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होंगे जिसे आज तक किसी ने काटा नहीं। अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर हैं, तो हमारे ब्रह्मांड और उस पेरेंट ब्रह्मांड के बीच में भी कोई कनेक्शन जरूर होगा। क्या ये साइंटिस्ट एक दूसरे ब्रह्मांड में जाने वाले पुल पर पहुंच गया है? क्या रात के आसमान में अचानक नजर आने वाली एनर्जी की चमक कुछ और कहती है? कहीं वो पैरेलल यूनिवर्स में रहने वालों का संदेश तो नहीं? ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड की सबसे डरावनी चीज है। अगर उसके अंदर कुछ गया तो कभी वापस नहीं आता। मगर वो जाता कहां है? इसका जवाब है शायद दूसरे ब्रह्मांड में। अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो शायद ब्लैक होल्स एक पैरेलल ब्रह्मांड में संदेश भेजने का एक बढ़िया जरिया है। या शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांड में रहने वालों ने हमसे न जाने कितनी बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की हो। फिजिसिस्ट निकोडेम पोप्लोस्की मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक पैरेलल वर्ल्ड के ब्लैक होल के तल पर है। अब वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस ब्रह्मांड के निवासी हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब मार्कर और एनर्जी एक ब्लैक होल में जाते हैं तब उनका क्या होता है। उसके अंदर की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि अगर कोई उसके अंदर गया तो वो उसके शरीर का एक एक एटम अलग कर देती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ उससे बच ही नहीं सकता। क्या हमारे कॉस्मिक पेरेंट्स हमारे पास संदेश भेज रहे हैं? निकोडेम को लगता है कि हमारे पास कुछ सबूत हैं कि उन्होंने संदेश भेजे हैं।
कई दशक से एस्ट्रोनॉमर्स आसमान में एनर्जी की जबरदस्त चमक देख रहे हैं जो ब्रह्मांड के दूर वाले किनारे से आती है। गामा रे बर्स्ट सबसे चमकदार धमाके होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में बिग बैंग के बाद यही सबसे तेज धमाके हैं, मगर हम अभी तक उस मैकेनिज्म को नहीं समझ पाए हैं जिससे वो धमाके होते हैं। वो दरअसल काफी देर से आते हैं और हो सकता है कि वो हमारे पेरेंट यूनिवर्स से हमारे ब्रह्मांड में आ रहे मैटर हो। कहीं एनर्जी की ये चमक दूसरे ब्रह्मांड में रहने वालों का मोर्स कोड तो नहीं है? एक ऐसा संदेश जो उस कॉस्मिक विजडम से भेजा गया हो जो हमारे ब्रह्मांड के बनने से कई सौ करोड़ साल पहले के एक्सपीरियंस का नतीजा हो। निकोडेम की थियरी अभी काफी नई है और हिसाब लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है, वो गलत भी हो सकते हैं, मगर पैरेलल यूनिवर्सेस की ये खोज अब फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलकर एक सीरियस साइंटिफिक पॉसिबिलिटी बन रही है और इस खोज में वो अकेले नहीं है। अगर हम एक बार फुल मल्टीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू पर गौर करें तो हमें एक बिल्कुल नई तस्वीर नजर आएगी। जब भी दो अलग अलग घटनाएं होती हैं, तब हमें एक का पता लग जाता है। हम गलती से ये मान लेते हैं कि दूसरी घटना हुई ही नहीं है, जबकि हमारी दूसरी कॉपी ठीक इसका उल्टा दिखती है। हम अब उन बातों पर बहस करने लगे हैं जो कभी साइंस फिक्शन की बात मानी जाती थी। हम अब उसके बारे में काफी सीरियसली सोचने लगे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि एक दिन हमें जवाब भी मिल जाएंगे। ब्रह्मांड का मतलब हर वो चीज है जिसका वजूद है। हम आज ये तो करीब करीब मान चुके हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि उसमें कई पैरेलल मैं हो सकते हैं, कई पैरेलल आप हो सकते हैं और कई पैरेलल पृथ्वी भी हो सकती है। हम ये सोचते हैं कि हमारा ऑल्टर ईगो पता नहीं कैसा होगा, क्या वो हमारे सबसे बड़े सपने को साकार कर रहा होगा या नहीं, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आप किसी और ही पैरेलल यूनिवर्स में अपने ही दूसरे रूप के सपनों को पूरा करने की कोशिश में हों।